What's up, guys? My name is Shana, and welcome to my channel. So today we're actually going to be playing Assassin's Creed 2. दो कुछ भी कहो, एक ही बात है. Again, जैसे कि आप देख सकते हैं, so guys, आज के एपिसोड में हम लोग, मैं बोलने नहीं वाला वो वाली लाइन कि हम लोग इसको गेम इस गेम को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तीन चार बार बोला और तीनों चारों बार ये गेम खत्म नहीं हो पाया, जबकि मेरे को लग रहा था हम लोग इतनी पास है. फिर कभी कोई चोरी करके ले जाता है, कभी किसी के बच्चे चोरी हो गए, कभी कोई बार्गेनिंग के नाम पे किसी को मार रहा है, कभी हम लोग किसी को कुछ दे के आ रहे हैं तो वो उसका चोरी हो जाता है, फिर बोलता है भाई साहब लेके आ जाओ. ये चीजें हो जा रही कंटिन्यूस में तीन चार एपिसोड से. लेन देन का काम कर रहा हूँ, है ना, या फिर जो काम मैं किसी को करने को दे रहा हूँ वो कर नहीं पा रहे. अब तुम मुझे बताओ, किसी के पास मतलब 100 100 200 200 गार्ड है पूरी उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसी की सिटी के लिए, उसके घर से एक इतना ज्यादा कीमती सोने का सधा हुआ पीसी वाला सेफ चोरी हो गया और किसी को भनक भी नहीं है. रोशन मैन जी को पता है कोई उठा के ले गया. साइड में उसके पीछे बंदा देख रहा था पॉपकॉर्न खाते हुए, मैं देख रहा हूँ अरे भाई कुछ कर ले, मैं अपने इतना महंगा काम कर रहा हूँ वहां पे, मैं किसी के बच्चे लेके आ रहा हूँ, खो गए थे, मेरे को ये रिस्पेक्ट ही नहीं पता, तो मैंने इतनी मुश्किल से सेब दिया. और उस सेब को छूने के बाद ना सीधा वो सेब को बस छूना है, वो सेब ना सेब है देखने से, अगर तुमने उसका ऑन वाला बटन दबाया ना, जस्ट छूना है उसको, ऑन हो गया. जैसे ही तुमने उसका सीपीयू ऑन किया यानी कि छुआ, पूरा का पूरा भाई साहब हाईटेक कंप्यूटर, पूरा का पूरा कितने इंच का होगा पता नहीं, कितने इंच का होगा, 100 200 इंच का टीवी अपने आप इतना बड़ा खुल जाएगा, जिसमें आराम से 5 10 लोग ऐसी देख ले भाई साहब, कुछ भी चल रहा है, होम सिनेमा पूरा का पूरा वैसी फीलिंग दे रहा है. और फिर आते हैं ये कुछ गवार लोग जो कि अपनी प्रजातियों से लड़ रहे हैं. हाँ मतलब वैसे मैं इनमें से किसी एक को छू दूं हल्के से फेदर से तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे हाथ धोकर. ये देखो ये क्या चल रहा है, और मर क्यों नहीं रहे ये लोग, मैं पिछले 2 मिनट से देख रहा हूँ इनको, मेरे को पता है मैं बहुत वेलो, बट ठीक है. वो देखो ये लोग, ये गवार भाग रहा है, चोर है क्या भाई जो ऐसे भाग रहा है, वो देखो सारे लोग देख रहे हैं, ऐसी हाल होता है. वो देखो पता नहीं क्या कर रहा है, क्या 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 चल रहा है इधर, छोड़ो मैं ये देखने लगूंगा ना तो मेरा. वो देखो चीर कर रहा है, हाँ मारो मारो इसको, मार दो, कोई जरूरत नहीं इनकी, मार दो. इनके ऐसे रिएक्शन है, मतलब वो लोग तुम्हारी सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ पे ये पंतिया कर रहे हो. लेकिन ऐसे लोग को हम कर रहे थे, इससे अच्छा तो भाई हम लोग पहले ही मर जाते जो ये देखना पड़ रहा है हमारे को. ओ अच्छा ये पूरी काट है, मेरे को लगे मैं एक घोड़ा मिल रहा है ना, फिर भी एक नशेड़ी घोड़ा लेके चलते जरूरत पड़ सकती है. इसका घोड़े भी बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से चलते, अगर तुम गेम को देखो ना, ये देखो बस इसका पता नहीं ऐसा लगता है इसका आगे पीछे वाला पार्ट इसका अलग चल रहा है जब ये भागता है, और आगे वाला पार्ट अलग चल रहा है. तुम ये देखो ऐसा लगता है आगे वाला पार्ट अलग है, बस मैं बैठा बीच में हुआ हूँ गलती से. ये ऐसे चलता है और कुछ ज़्यादा ही हिलता है, इनबिल्ट वाइब्रेशन टाइप. ये देख रहे हो कुछ ज्यादा ही नहीं हिल रहा है घोड़ा, इतना तो असली घोड़ा नहीं उलता. मैंने देखा है लोगों चलते चुलाते हुए घोड़ों पर, मैंने ऐसी हालत तो नहीं देखी किसी घोड़े की. ब्रेक भी ऐसे मारा जैसे कार्टून के अंदर पूरा रुक कर पूरा घिजाड़ कर. ये ऐसे ब्रेक कौन मारता भाई, कौन मारता है ऐसे ब्रेक, ऐसे कौन मारता है, ये ऐसे कौन ब्रेक मारता भाई, कार्टून में हो क्या ये चीज. तो उसने भी छोड़ दिया अब नोबिता डोरेमोन, उन गवारों ने इन कार्टूनों भी छोड़ दी ये चीज है. कहाँ से आ रहे हो भाई, मुझे पता है पुराना गेम है, इतना था अजीब. और फिर लास्ट एपिसोड में इस बंदे की मैजिकली 15 दिन के अंदर दाढ़ियाँ आ गई इतनी मोटी मोटी, वैसे 12 साल से कुछ नहीं है बंदे के पास, पूरा क्लीन शेव चिकना इंसान, एकदम से 15 दिन के अंदर वही काम हो गया जो नहीं हो रखा. ये मेरी स्क्रीन नीली काहे हो गई, तो मैं पहले कहीं लाजपत नगर में घूम रहा था. अच्छा बहुत बढ़िया, पहले नहीं थे, अभी मैं वहीं से निकल के आया हूँ, अभी कोई नहीं था और अभी एकदम से बहुत सारे लोग आ गए. कौन सा मैजिक है ये, वेल आई थिंक इसी चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा ये लेके आया हूँ, है ना, शैम्पू का पाउडर. मैं नहीं हूँ इधर, बाय, मैं तो नहीं हूँ इधर, नहीं मैं तो जानते ही नहीं किसी को. क्या हो भाई साहब, क्या चल रहा है इधर. अब बोल, तू कुछ कर सकता है. ये बेस्ट एंट्री थी भाई साहब, लिटरली ये अभी तक की बेस्ट एंट्री हुई किसी भी सिटी के अंदर भाई साहब. इनका अभी तक WWE चल रहा है पता नहीं कैसे, और लोग आ गए इसके अंदर, क्या हो रहा है ये. ये मैंने तो नहीं देखा था कभी.
अपने पूरी जर्नी के अंदर इस गेम के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट चीज यही है, बेस्ट चीज जो कि मैंने पूरी सीरीज में कहीं नहीं देखी। कोई गार्ड दिख तो नहीं रहे, ओके वो रहे। पार्कोरिंग, अब किसी पार्कोरिंग किस दिन काम आएगी? मैं जो इतनी सीख के आया हूँ, जो मैं इतनी सीख के आया हूँ वो कब काम आएगी? नहीं मैं नहीं हूँ इधर, एग्जिस्ट ही नहीं करता मैं। गवार भागना सीख ले पहले अच्छे से। मैं निकल गया, अरे अरे दिख गया दिख गया दिख गया। नहीं 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 मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मर जाओ मेरी तरफ से। ओ अच्छा उस साइड जाना है, ओ अच्छा जस्ट पीछे ही है मेरे, चलो कुछ नहीं होता। भागो भागो भागो, रन डाना ना। अरे भागने तो दो जब मैं भागने का गाना गा रहा हूँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बदतमीज लोग। देखो यही करना पड़ता है जब पुलिस तुम्हारे बिल्कुल सामने हो, है ना, और तुम भी उनके सामने, बट तुम्हारे को दिखाना है तुम बिल्कुल पास कर रहे हो, तुम हो भी नहीं। गवारों में तुम्हारे साइड में हूँ, इतनी तो शर्म रख लो, मेरे बारे में बात कर रहे हो मेरी साइड में, शर्म आती है शर्म? एंड ऑल्सो गाइस मैंने इतनी सारी गालियां दे दी जो इतने कुछ ज्यादा सुनहरे शब्द जो मैंने बोले हैं कुछ लोगों के ऊपर। हाँ तो गाइस लास्ट एपिसोड में मैंने एक सेव रखवाया था एक बहुत ज्यादा हाई टेक हाई गार्डेड लेडी के ऊपर, जो कि इतनी ज्यादा गार्डेड है तो उनकी उनसे ज्यादा गार्डेड कोई है नहीं भाई। कोका कोला का वॉल्ट भी उनके सामने ऐसा सा ही हो, वो भी इतना ज्यादा गार्डेड नहीं जितनी वो गार्डेड है। और उसके सामने से उसका उसके सामने से मेरा सेब उछा के ले गया, जो कि हाँ वही है ना। और वो और फिर जब मैंने उस सेब को लिया तब किसी ने मेरे को चक्कू मार दिया और फिर मेरे एकदम से मैजिकली दाढ़ी आ गई। बट उस सीन से पहले किसी ने मेरा सेब उठा लिया और मैंने उससे बोला कि मेरा पीसी मत ले। उसने बोला ये सेब है मेरे को खाना है, और वो लेके भाग गया और उसके पास एक उंगली नहीं थी। और फिर मैंने एक प्रीस से बात करी, बोला पक्का उसके पास कोई पैर हाथ सर कोई उंगलियां 10 उंगलियां 12 उंगलियां 13 उंगलियां कोई ऐसी उंगलियां थी नहीं थी, कुछ पार्ट और भी नहीं थे। वो बंदा ये बोल रहा जबकि उसको घंटा कोई आइडिया है कि भाई साहब किस बंदे का सिर्फ एक उंगली नहीं है, मतलब उस बंदे का 9 उंगलियां थी, होनी 10 चाहिए। सर आर यू दस? और मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये भी उधर था जो पॉपकॉर्न खा रहा था बिल्कुल सामने सामने, जबकि सेब चोरी हो गया इसके सामने। वो कौन कहाँ से गुंडे उठा के लेके आया भाई तू? मैक्सिकन के? सबसे पहले तू उसको कर कि भाई तेरी शक्ल चेंज कैसे हो गई, तेरे बाल बाल कैसे उग गए, कौन सी क्रीम रुका रहे? वो ये बोले तुम लोग कौन हो सस्ते गुंडो, कैसे भाग रहे इसके भाई? इसकी हाइट से तो इसके बड़े स्टेप्स है, जितनी ज्यादा इसकी हाइट है उससे बड़ी इसके स्टेप्स है लिटरली चलने के, वो भी नॉर्मल। कुछ ज्यादा ही लोग आई थिंक। हाँ अच्छा वो लोग सोल्जर से उसके, मेरे को लगा भाई साहब ये लोग अपने में ही फाइट कर रहे हैं। अब ये तो किसी और के खड़े हुए बंदे हैं, मतलब मैं जिन लोगों को लाइक मैं मतलब जिस बंदे से मेरे लाइक वो मारने का मन करता है ना जिन लोगों को, उन्हीं में से एक वो है। हाँ तो मैं जिसकी तो एक्चुअली में ये गेम मेनली एक बंदे के ऊपर है, मतलब ये गेम बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो सकता था अगर कोई मेरा सेब सूप चुराना बंद कर दे, क्योंकि हमारे को उड़ाना बस इस बंदे को जाकोब दाजमीन रुजर सॉरी रिंग रोड बुर्गिर। हाँ मेरे को इस बंदे को उड़ाना, मैंने इसको निकनेम दिया है ग्रामोल्डो सावोन श्रावोन रोला। हाँ यही बंदा है जिसके पास 9 उंगली है इंस्टेड ऑफ 10 है ना, और इसके पास कोई मुंह नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक मास्क है जो कि मनी हाइस जैसा लिखता है लगभग लगभग। हाँ लगभग लगभग। और मैं इस बंदे को मारना चाहता हूँ रिंग रोड बुर्गिर या फिर रिजर्डो दे बुर्गिया, वही मतलब वही ठीक है सेम ही बात है, मैंने निकनेम दिया उस बुढ़े को। तो उस बंदे को मेरे को मेनली इस गेम के अंदर मारना है लास्ट में जाकर। और मैं पता है मैं इस गेम को ऑलरेडी एक बार खेल चुका आई थिंक 10 साल पहले की बात है, आई थिंक सो, क्योंकि हाँ 10 साल पहले की बात है ये। पर मैं इस गेम को कभी खत्म ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या करना, और फिर मैं बोर होके मैंने छोड़ दिया है ना। और उस टाइम तक ये गेम पुराना भी हो चुका था, नहीं 10 साल नहीं 10 साल नहीं आई थिंक 7 साल 5-7 साल ऐसे ही हो गए होंगे मेरे को इस गेम को खेले हुए। और मैंने इस गेम को तब छोड़ दिया था क्योंकि ये गेम कुछ ज्यादा गंदा हो रहा था, और मैंने इसी पार्ट पर छोड़ा था क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को क्या करना है लिटरली। तो मैं सोचो कितनी जल्दी ये गेम खत्म हो सकता था और कितने पार्ट पर मैंने आके जस्ट छोड़ दिया, अब मुझे गुस्सा आता है। बट आई थिंक लेट्स गो, सबसे पहले इन बुर्गिरों को देखना है, आई थिंक हमारे को सीधा सीधा जाना है सीधा। अच्छा वो लोग उधर हैं, तो मतलब ये लोग गार्ड बिल्कुल मेरे सामने सामने बट सामने नहीं है क्योंकि मैं क्वेस्ट पे हूँ। एक मिनट अब ये लोग कहाँ से आ गए? हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था, ठीक है? रुक जोड़ दो बुर्गर, ये किसको भेज दिया तूने? और वो क्यों, उसको क्यों मार रहे हो भाई? वो तो छोटा बच्चा है। ये क्या बच्चे है भाई, इनको तो मैं बिना पैरी करे मार रहा हूँ। क्या बच्चे हो भाई तुम? आई वॉन्ट सम रियल चैलेंज ब्रो, आई वॉन्ट सम रियल चैलेंज, लिटरली आई वॉन्ट सम रियल चैलेंज। क्या है बच्चे? आई लिटरली वॉन्ट सम रियल चैलेंज भाई। क्या बच्चों को भेज रहे हो? इन पे तो मैं थूकू भी ना उल्टियों को। ओके सीरियसली ये लोग बच्चे अब क्या हो भाई तुम? बच्चे लॉल मार भी नहीं सकते मेरे को है बे। सो गाइस लेट्स गो टू सी ला सेब। इतनी बड़ी जगह से चुराने वाले हो है ना? वो भी देखो यस यस कर रहा है भाई। गवार तेरा खुद का दिमाग नहीं है तू, असासिन नहीं है। सी सी करे जा रहा है, सी सी क्या सी 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 कहाँ देखूँ मैं? सॉरी यस बोले जा रहा है, इतनी आती है मेरे को। देखो ये फायदा होता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज इसमें मास्टर लेना। वो बच्चे क्या करेंगे उनसे? तो भाई साहब वो भी नहीं चलती स्वॉर्ड, उनको नाचना ही नहीं आए। स्वॉर्ड डांस जिसको कहते हैं, स्वॉर्ड फाइटिंग, किल लॉल सबोंस लला ला सबोन लो 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 लो, जो भी यही है लो 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 लो, वही गाना चल जाएगा इधर। मैं इसका नाम नहीं बोल पाऊंगा पर कुछ भी हो जाए। इतना हार्ड को नाम रखते हो, कोई इजी नाम नहीं डलवा सकते अपने मम्मी पापा से बोलकर? या कभी सोचा नहीं कि इजी नाम होता क्या है? क्योंकि मेरे को बख्श नहीं दे रहे ये लोग। एक वो रिंग रोड बुर्गेर है ना, फिर एक ये गवार। हाँ मार लो मार लो, अब मार नहीं रहे। सो गाइस आई थिंक मेरे मारने कूटने से ये लोग इतना ज्यादा डर गए कि सारे डर के भाग गए। हाँ कुछ ज्यादा ही डर के भाग गए और अब ये लोग दिख भी नहीं रहे, इतनी तेज भाग गए। पहले मैं करने क्या आया था इधर? ल्यूटिनेंट स्किल्ड मैं करने क्या आया था? कोई मेरे को ये बताएगा जो मैं ये पंतिया कर रहा हूँ? नहीं नीचे नहीं कूदना गवार, 0 IQ गवार। ऊपर चाहे ऊपर ऊपर, क्या क्या बोलूं मैं? मराठी बोल उठी बोलूं क्या? गूगल बोल यार। रमेश तेरे को कुछ और लैंग्वेज आती जल्दी बोल। तो गाइस एक तरीके से हम लोग शैडो मोर्डोर वाले मिशन खेलने वाले हैं, किल द ऑर्क टाइप, बट हम लोग वो नहीं करने वाले हैं, आई मीन शैडो वॉर। हाँ तुम्हारे लिए तो है ही ये, एक बंदे को नहीं मारना होता। दूसरा ब्लेड किस लिए है तेरे पास? दो ब्लेड को मारने के लिए है या फिर एक एक ब्लेड से ही मारने को है? दोनों ब्लेड हैं यार, बता हमारे को एजी। और उसको अभी भी नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। बल जितना मुझे पता है कि हमारे को कहीं जाना और ये लोग किताबों को जला रहे हैं। हैं कहाँ ये बंदा, कहाँ भाग के निकल रहा है ये? ओके दिस डन सपोज टू बी द प्लेस, बट क्या देख रहा है ये? कहाँ ताड़ रहा है नीचे? सारे के सारे नमूने इधर ही प्रेजेंट हो रखे हैं अब, सारे के सारे नकली असैसिन जिनको घंटा कुछ आता है ब्लेड चलाने के बारे में, बट सारे के सारे आ चुके हैं इधर। मुझे कोई आइडिया नहीं, मतलब ये लोग करने भी क्या आते हैं जब इधर इनको कुछ आता ही नहीं है। मतलब एक गवार, मतलब एक भी गवार से तो मैं तो मेरा एप्पल नहीं संभला गया, एक भी मेरा सेब। मेरी क्या गलती है उसके अंदर? गरीब लोग, गरीब क्या भाई, कुछ आता ही नहीं है इनको। ये बोलूं मैं, अपनी कला के अंदर इनको खुद ही नहीं आता इन्होंने क्या किया। मतलब लोग अपनी कला को, जो मास्टर लोग होते हैं वो लोग मास्टर करके रखते हैं इन चीजों को। इन्होंने इतनी अच्छे से अनमास्टर कर रखी कि इनको घंटा कुछ पता है कि है क्या, बस ये लोग कर रहे हैं। ये हैं बट इनको नहीं पता है क्या है, बस कहते हैं हम नाम के असासिन है, बल्कि आता घंटा है इनको, ठीक है? मैं ये बोलूंगा इनको। सो भाई ये लोग कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, गवार लोग। मैं इन्हीं गवारों की बात कर रहा था जिनसे कुछ घंटा कुछ कट पाता है। हेलो, और मैं जब बोलता हूँ ना घंटा, तब मैं बोलता हूँ घंटा, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों से। इन लोगों से अभी तक चलना भी नहीं आता था, चलना ही मैंने सिखाया। मैं तो ये बोलूँ, सब लोग बोलते हम तुम्हारे को गाइड कर रहे थे, हम तुम्हारे को गाइड कर रहे हैं। असली चोर बनाना सिखाया इन लोगों ने मेरे को, छुपते कैसे है ना, चुराते कैसे है, पैसे फेंक कर कैसे लोगों को बोलते कि देखो ये तुम्हारा पैसा है, ये ऐसे, ये नेताओं वाले काम कर रहा हूँ मैं इस टाइम पर। मतलब भाई क्या क्या गलत, क्या अजीब से काम करवा रहे मेरे से। मतलब इतनी अजीब अजीब सी चीजें सिखाते हैं, बोलते हैं कि देखो हमने तुम्हारे को ये दिया है, घंटा दिया है तुमने मेरे को। आते आते मेरे को कुछ है नहीं, लिटरली मुझे नहीं पता मैंने स्पीयर कैसे उठाया, बट मेरे को स्पीयर यूज करना। अबे यार स्पीयर दे क्यों दिया तूने, स्पीयर क्यों दिया यार इस बंदे ने? कितना था मस्त था अगर ये बंदा स्पीयर नहीं देता। भाई पहले इस बंदे को उठाओ, पहले इस बंदे को उठाओ। हाँ मुझे पता मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा लो चली गई है और मैं मर चुका हूँ अब,
उसका प्रॉपर रीजन यही है कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था मैं कैसे मर रहा हूँ, लाइक क्योंकि मैं कोई सा वेपन उठाया जा रहा था और फिर मेरे को कोई सा भी कोई ना कोई दूर से मारे जा रहा था, ये मेरे साथ हो रहा था। और फिर मेरा कंट्रोलर, वो तो बताइए सबको है ना, बहाना नहीं है बट मैं क्या करूँ, ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ आजकल। मुझे कोई आइडिया नहीं है लोग कहाँ चल के जा रहे हैं भूत बनकर, बट जो भी है भाई साहब, वो भी गार्ड को धक्का दे देकर, और वो भी कोई इनको सस्पिशियस नहीं समझ रहा, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है साल लग जाएंगे इधर, मतलब अभी 3 लोग गए, चौथा जाना, 5 और लोग बचे हैं। ये कौन है, नापोतिया पोकरा, क्या था ये भाई, कौन सी ग्रीक भाषा की पोयम गा रहा है? इससे अच्छे तो मेरे बोट पे हाके सीने नो रीसे वो गाते हैं बोट पर, जो वो नहीं असासिन्स क्रीड में जो हमारी वॉइस, सब इस पे चढ़ना है। इस पे तो मैं अपनी पूरी जर्नी में नहीं चढ़ पाया, इस पे अब कैसे चढ़ूंगा मैं, पूरी जर्नी में नहीं चढ़ पाया। मैंने बहुत बार कोशिश करी मैंने इधर ऊपर चढ़ने की, बट कभी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ इस चीज़ में, लाइक सीरियसली मैंने जितनी बार भी कोशिश करी उतनी बार मैं जाके गिर के मरा हूँ बस। ये चीज़ें करी मैंने अभी तक इस सीरीज के अंदर, इस जगह के ऊपर चढ़ने के लिए, मतलब मैं एक बार पहुंचा था वो भी गलती, पता नहीं कैसे पहुंच गया था, और उसके बाद फिर मेरा मन नहीं गया पहुंचने को, मेरे को पता है मैं इतनी बार यहाँ से जो मरा हूँ गिर कर। ये पता नहीं और लोग ना भाई साहब लेज असासिनेशन वगैरह बहुत ही अच्छी करते हैं, ये बंदा सीधा लेज पे चढ़ जाता है, क्या कर रहा है, क्या पंतिया कर रहा है, और अच्छा डिटेक्ट भी नहीं होना, और इसके अंदर तो असासिनेट करो तभी डिटेक्ट हो जाते हो तुम लोग, फिर कैसे करूंगा इस बंदे को मैं मारूंगा, कहाँ है चढ़ा हुआ बंदा, ऊपर लग रहा है फिलहाल तो मेरे को, वहीं से ऊपर गिर के मर जाए मैं तो बता रहा हूँ। तो गाई मैंने पता है इतनी ज्यादा कोशिशें कर रहा हूँ इन लोगों को मारने की, मतलब 7-8 बारी तो ऐसे मरने मुराने में लग जाते हैं मेरे को, देखने के लिए क्या करना है। हाँ बड़े अच्छे सत्य वचन बोल रहा था ना उधर, हाँ देखा सही बोल रहा है, मतलब तुम ये सोचो इन लोगों को मारने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है भाई मेरे को, इतना ज्यादा अजीब से लोग मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहे, ये लोग क्यों है, मतलब इतने अजीब लोग क्यों है भाई ये लोग, मतलब इतने ज्यादा गार्ड हैं सिर्फ और सिर्फ एक यूजलेस बंदों को बचाने के लिए, और उसके अंदर भी भाई साहब पहुंचने के लिए इतना ज्यादा टाइम लगता है, फिर इनके नखरे हैं ढूंढवाओ मत अपने आप को किसी से, है ना, फिर ये कार्टून लोग आ जाते, मैं तो भाग रहा हूँ, तुम्हारे को जो करना है कर लो, मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा अब एग्जिट ही नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। कहाँ से भागते हो तुम लोग, कहाँ से जाना होता है, जब तुम्हारा घर घर जाना होता है वो रास्ते दिखाओ मेरे को। ये देखो सारे के सारे दुनिया भर के सारे लोग इधर ही हैं, कम से कम मिलाकर इधर 60-70 लोग होने वाले हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, और तू कहीं और चढ़ जा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अभी तक कम से कम 24 इन लोगों को उड़ा रखा हूँ, और मेरी हेल्थ वो देख रहे हो बस उतनी गई है, मतलब लाइक वो भी इस वजह से गई है क्योंकि मैं गिरा हूँ ऊपर से बहुत ज्यादा हाई फ्लोर से, नहीं तो भाई ये लोग तो बच्चे मिल रहे, मार भी लो, वैसे भी उसे मारे इधर से मेरे को दिखे ना, क्या 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 ट्राई कर रहे हो, क्या ट्राई कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी ऑन कैमरा इतनी घटिया स्किल्स क्यों आती है जब मैं ऑफ कैमरा इतनी मस्त चीजें कर रहा होता हूँ, लिटरली क्या क्या हो रहा है भाई, मेरी स्किल्स को रस्टेड हो जाती है एकदम से 2-3 सेकंड के अंदर, या फिर ऐसे ही होता है बड़े लोगों के साथ, मतलब जो लोग गेम में अच्छे होते हैं, मेरी तो आता ही नहीं है भाई साहब, ऑन कैमरा मेरा कुछ भी नहीं अच्छा आता, तुम ये देख रहे हो ये चीजें आती है इतनी घटिया सी, और जब मैं ऑफ कैमरा तो भाई साहब इतना मक्खन गेम प्ले जैसे, पता नहीं मैं तो इस गेम में गॉड हूँ ऐसी फीलिंग आती है, बट जब ये होता है ना, ओके अब मैं थोड़ा सा सही खेलने लगा हूँ, मतलब या तो भाई ये एजियो शर्मा जाता है और उसको अभी नहीं पता, उसको अभी नहीं पता कि उसके बंदे मर चुके। ए हेलो, इतने तमीज वाला काम कर रहा हूँ मैं, पता है कितना ज्यादा तमीज वाला काम कर रहा हूँ मैं, वेट करना है कितना मेरे को, हे भगवान भाई ऊपर जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है मेरे को। अरे 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 भाई साहब, सो गाइस अभी इसकी वीडियो के लिए इतने रखते हैं भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ 1-2-3 घंटे मैं 3-4 घंटे से बैठा हूँ, मैं दुख रहा हूँ, मतलब मेरे हाथ तो दुख ही रहे हैं, एक तो सबसे पहले लाइक 18-18 मिनट लगाकर 9 थे, ठीक है अब 9 x 18 तुम लगा सकते हो, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है, वो भी रात के 1:30-2 बजे, लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं साइड में से, जितने तेज गोकू सुपर सेन में जाने के लिए नहीं चिल्ला था ना उतने मेरे घर वाले चिल्ला रहे, क्योंकि उनते उससे ज़्यादा तेज मैं चिल्ला रहा हूँ इस टाइम पर, अभी 2-4 बार तो मतलब चुप चप्पल खानी है ना, रमेश तो सो रहा है वो 3-2 बजे उठता है वो, फिर है ना फिर मेरी मम्मी बोलेंगे बेटा चप्पल लेके आ जाओ, वो तो ले आएगा सीधा सादा बच्चा है ना, सीधा सादा बिल्कुल प्यारा सा बच्चा, वो तो लेके आ जाएगा है ना, फिर खानी मुझे पड़ेंगी, तो वो काम ना हो इस वजह से हम लोग
थोड़ी ऐसे बोलते अभी फिलहाल के लिए। तो मतलब इतने ज़्यादा हाई लेवल के काम करने के बाद मैं तो थक चुका हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। हाँ, और हाँ अभी इसकी वीडियो के लिए इतने रखते हैं। मतलब मैं सोचा वीडियो के टाइम पे ये काम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ऑफ कैमरा मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ना मेरे पास मतलब इतना ज़्यादा टाइम है। क्योंकि मैं बैठूंगा तो कभी गोस्ट ऑफ सुशीमा लेकर बैठूंगा, कभी कुछ लेके बैठूंगा, मतलब रैंडम गेम्स लेके बैठने वाला हूँ। वो गेम्स नहीं लेके बैठने वाला जो गेम्स मेरे को खेलने चाहिए, ठीक है? जो जो गेम्स मेरे को एक्चुअली में खेलने चाहिए वो गेम्स मैं कभी लेके नहीं बैठने वाला, तुम ये सोच लो, और ये फैक्ट है। वेल, अभी उस फैक्ट को छोड़ दो। तो हाँ बस, और इस चीज़ के लिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्या बच रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है क्या बच रहा है। मतलब और कितने सारी चीज़ें, मतलब ये बताओ, मतलब मैं कर क्यों रहा हूँ ये चीज़, ये जो ये लोग जो इस बारात लेकर जा रहे इतनी मोटी मोटी, और फिर ये मतलब क्या 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 हो क्या रहा है इधर, मुझे कोई मुझे ये तो बता दो कि मैं क्यों इन ल्यूटेनेंट्स को मार रहा हूँ। मुझे पता है बुर्गिर के हैं ल्यूटेनेंट्स, बट क्या फ़ायदा क्या है इन बुर्गिर के ल्यूटेनेंट्स को मारने का, जबकि सीधा सीधा उसको मरना है, नहीं सीधा नहीं कूदना भी नीचे, बट लाइक क्यों मारने की क्या ज़रूरत है? और फिर इन्होंने मतलब लाइक सिवा सिवी आम जनता को ही क्यों पागल बना रहा है? मतलब जितने देख रहे हो हम लोगों को पागल बना लिया गया है, वो नहीं होता स्कैम वाले की एक दिन में पैसा डबल जो एड्स आते हैं, वैसी स्कीम वाली इनको फंसा लिया गया है, और ये लोग फंस गए है ना, और फिर मेरे को गालियाँ दे रहे हैं तूने मेरे को क्यों मारा। ये ऐसा खेसता है आधा आधा इन लोगों का। फिर कोई टूर्नामेंट कर रहा है, कोई भागने का प्रैक्टिस कर रहा है, तू मेरे सामने से हट जा नहीं तो रैप्टे तुझे पहले खाने हैं, है ना। बार बार इतने ज़्यादा क्लोज आ जाते, इतनी क्लोज तो मैं खुद से कभी नहीं रहूँ, उतनी क्लोज ये आ जाता है मेरे से बार्ड, है ना। गाने बजाते आते हैं नहीं, इससे अच्छा तो पोप ही गा रहा था वो, है ना, आमेन आमेन करके, पता नहीं क्या कर रहा था, बट जो भी है चलो ठीक है। सो गाइस, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी तो लाइक मार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली इस गेम को फिर से ट्राई कर सकते हैं ख़त्म करने, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है कब ख़त्म होने वाला, बट जब भी हो है ना एटलीस्ट इसको 14 या 15 चैप्टर लगने वाले हैं। मतलब 15 और एपिसोड नहीं लगने वाले, मतलब 2 एपिसोड लगने वाले हैं, बट 15 एपिसोड तक तो ये खिंचेगा, 15th एपिसोड तक तो खिंचने वाला। अभी आई थिंक ये 14वां एपिसोड है मेरा, तो 15th या 16th तक तो खिंचने वाला है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मैं आपसे मिल रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी तो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे मिल रहा हूँ, मतलब करेंगे जो देखा जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, लाइक जो भी होने वाला है देख लेंगे, बट मेरा सर घूम रहा है। मैं एक ही बार को एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता रहूँगा, तो गुड बाय। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिल रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।